हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 22 अक्टूबर की बात हो रही है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है आज उसके क्वेश्चन पेपर को और आंसर की को हम समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सेकेंड का आंसर बी रेगुलरली हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद सिक्स टू जो टेंथ क्वेश्चन का आंसर हम पैराग्राफ से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ से देखिए ये है नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर, मेटाबॉलिक रेट से लेकर एक्टिविटी तक हो जाएगा। उसके बाद सिक्स का हो जाएगा, फिफ्थ का हो जाएगा न्यूट्रिशन वैल्यू, और सेवन्थ का सिक्स का सॉरी हो जाएगा न्यूट्रिशन वैल्यू, सेवन्थ का हो जाएगा दिस से लेकर स्टेमिना तक, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद एट्थ का आंसर आप यहाँ से दिस से लेकर मेटाबॉलिक रेट तक यहाँ तक आप आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सभी क्वेश्चंस के पैराग्राफ में दिया गया, टेंथ का आंसर यहाँ पे लिखा है कंजर्व एवरी कैलोरीज। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, सेकंड पैराग्राफ में भी फर्स्ट का आंसर 1957 हो जाएगा, थर्ड सेकंड का चीप हो जाएगा, थर्ड का 20,000 हो जाएगा, फोर्थ का आंसर यहाँ पे अबोव हो जाएगा, और फिफ्थ का आंसर कैच हो जाएगा। और सिक्स से लेकर टेंथ तक के आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, आप फटाफट देख लीजिएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे सिक्स का आंसर दिया गया है फर्स्ट से लेके होली तक, नाइन्थ का आंसर यहाँ पे दिया गया है वेलिंगटन से लेके स्पेन तक, सेवन्थ का आंसर यहाँ पे अगस्त तक है, और एट्थ का आंसर लास्ट से लेके फाइट तक है, और टेंथ का आंसर द टमाटो से लेके टेस्ट तक है। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखिए उसके बाद में राइटिंग स्किल थी ये आप कर लीजिएगा, आप रीड कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में फर्स्ट में जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें ए आ जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन में सी आ जाएगा, थर्ड में यहाँ पर ए आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में सी आ जाएगा। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट में इन आएगा, सेकेंड में देम आएगा, थर्ड में एंड आएगा, एंड फोर्थ में बी आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड में देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड थे, ओन की जगह एट आएगा, एंड की जगह द आएगा, मच की जगह मैनी आएगा, और ओन की जगह फोर आ जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में ए आ जाएगा, सेकेंड में सी आएगा, थर्ड में बी आएगा, फोर्थ में सी आ जाएगा, ऑन वॉल विथ पेंसिल, फिफ्थ में ए आ जाएगा, फैट रेदर पंप बॉडीज। इसके और में फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टर पंपरेरी आ जाएगा, सेकंड में बी आ जाएगा टू कीप द डॉग स्ट्रिक्ट डाइट, थर्ड का आंसर भी हम क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में ए सीरियस आ जाएगा, फिफ्थ का भी अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइन्थ के फर्स्ट में ए आ जाएगा, जॉन बेरियाम आ जाएगा, सेकेंड के आंसर लॉस्ट हिज पेरेंट्स सी आ जाएगा, थर्ड में हिज मनी आ जाएगा, फोर्थ में स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा, एंड फिफ्थ में टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग। इसका और देखते हैं, और के फर्स्ट में अ टाइगर इन फॉरेस्ट आ जाएगा, सेकंड में रेंज आ जाएगा, थर्ड में अटैक द डियर हु कम्स नियर द होल आ जाएगा, फोर्थ में टू किल पंप डियर आ जाएगा, फिफ्थ में जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए 13 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू गाइज।